हे गाइस, चलो आज ओट्स की इडली बनाते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत जोर की भूख लगी और ऐसा लगता है झटपट से कुछ बन जाए, हेल्दी सा और टेस्टी सा, और टाइम भी ज़्यादा ना लगे। तो एकदम क्विकली एक मस्त सा डिनर आपको आज बताने वाली हूँ। तो ये मैंने ओट्स और सूजी का इडली बनाया, कितना सॉफ्ट बनाया और इतना टेस्टी था कि आप चावल की इडली खाना भूल जाओगे। मतलब बहुत ही सॉफ्ट था, चावल की इडली से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। तो चलो बनाना स्टार्ट कर दें। तो एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे बड़ा सा, इसमें मैं एक कप ओट्स डालने वाली हूँ। तो पहले एक कप सूजी ले लिया है मैंने, कोई भी आप सूजी ले सकते हो, बारीक वाली, मोटी वाली, कोई भी चलेगी। तो जितना सूजी लेना है उतना ही ओट्स ले लिया है मैंने, तो आप डेढ़ कप भी ले सकते हो। तो इतने एक कप से अराउंड मेरे 16 इडली तो बन गए थे और 2 डोसे भी बन गए थे छोटे छोटे। तो यहाँ पे हाफ कप दही डाल दिया मैंने इसमें, खट्टी दही भी आप ले सकते हो, उससे जल्दी हो जाएगा आपका बैटर रेडी। अगर आपके पास खट्टी दही हो या फिर आप छाछ भी यूज़ कर सकते हो इसमें, छाछ या छाछ जो भी आप बोलते होगे। तो जितना मैंने दही लिया था उतना पानी इसमें ऐड कर दिया और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है, 1 टीस्पून। बाद में हम नमक टेस्ट करके और भी अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे, इसमें हाफ कप पानी और डाला मैंने, क्योंकि ये सूजी और ओट्स दोनों भी पानी बहुत एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसको मिक्स करते जाएंगे, हमें गाढ़ा बैटर रेडी करना है लाइक इडली का होता है, तो ज़्यादा पतला ना हो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे पहले। तो मेरे टोटल अराउंड 1.5 से 2 कप पानी लग गए हैं, तो आप अपना चेक करते जाना और डालते जाना। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखो मैंने थोड़ा सा पानी और डालना है, मुझे इसमें गाढ़ा लग रहा है क्योंकि सूजी थोड़ी एब्जॉर्ब भी करेगी जब हम फूलने के लिए इसे रख देंगे। तो अगर आपके पास टाइम है तो इसको आप 1 घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख दें, तो आपकी इडली और भी मस्त सॉफ्ट बनेगी। या फिर आप ओवरनाइट रात को मिक्स करके रख दें तो और भी मस्त इडली बनेगी आपकी, तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी इडली बनेगी। तो मैं इसको 10-15 मिनट के लिए ढक के रख दे रही हूँ, आपके पास जितना भी टाइम है आप उस हिसाब से रख सकते हो। तो आप क्या करेंगे, मैंने 1/2 घंटे के लिए इसको रख दिया था और ये मैं इसमें तड़का लगाने जा रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने सरसों का ऑयल ले लिया है तड़का पैन में और 1 चम्मच भर के इसमें सरसों डाल दिया है, 1 टेबल स्पून, और थोड़ी सी कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। तो ये थोड़ा सा 1 पिंच हींग भी डाल देना है इसमें और जस्ट मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे और अपने बैटर में डाल देंगे। तो इससे बैटर में और भी मस्त सा टेस्ट आता है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो मैंने बैटर में डाल दिया इसमें और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो मेरा बैटर मिक्स हो गया, तो मैंने इसको 1/2 घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख दिया। तो मेरा बैटर अच्छे से रेडी हो गया, ये देखो, मतलब इडली का बैटर रहता है जैसे वैसे, ठीक है। तो अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो जब आप बनाने जाएंगे तभी आपको इनो ऐड करना है। तो इसमें 1 पैकेट मैंने 1 पाउच इनो का था वो डाल दिया इसमें। ये स्किप भी कर सकते हो आप, अगर आपने रात भर के लिए इसको सेट होने के लिए रख दिया तो आप ये नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। तो इससे क्या होता है, थोड़ा और सॉफ्ट और फुली फुली इडली बनेंगे, अदरवाइज़ ये नहीं भी डालेंगे तो भी हमारी इडली अच्छी बनेगी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक ही डायरेक्शन में और इसको रेस्ट, अब बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करना है और फटाफट से हमें इडली के पैन में इसको रख देना है। तो मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया ऑयल से इडली के स्टैंड को और उसमें डाल दिया इसमें। तो मेरे इडली स्टैंड में टोटल 16 इडलीज बनते हैं एक बार में। तो ये मैंने रख दिया है सारी इडली इसमें और इसको मैं रख दूँगी 10 मिनट के लिए। तो इडली के पैन में मैंने पहले ही पानी रख दिया था थोड़ा सा बॉयल होने के लिए, तो बॉयल होना स्टार्ट हो गया तो फिर मैंने रख दिया। 10 मिनट में हमारी इडली रेडी हो गई, देखो कितने अच्छे बने। तो थोड़ा सा मैंने टेढ़ा कर दिया था रखते वक्त, इसलिए थोड़ा बाहर फैल गया है, अदरवाइज़ कितना अच्छा, थोड़े थोड़े फुले फुले भी बने हुए हैं इडली। कितना कम बैटर डाला था मैंने तो ऊपर तक फुले हुए। तो ये देखो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट इडली बने हैं और खाने में यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी था। तो आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको भी कैसा लगा ये इडली। तो जब तक कि मेरा बैटर रेस्ट हो रहा था तो मैंने ये नारियल की चटनी रेडी कर ली थी। फटाफट से ट्राई कीजिए अपने डिनर में, ब्रेकफास्ट में, कभी भी आप इसको खा सकते हैं, लंच में भी बहुत ही टेस्टी है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।